छोटी सी राजकारी लोक कथा है, बड़ा हास्य का प्रसंग है उसमें। एक किसान सुबह रोज खेत में जाता तो खाना खाने के लिए जब बैठता तो पत्नी उसको खाना जो भी छाछ राबड़ी सोगरे वगैरह बाजरे की रोटी वगैरह रख देती थी, उसको भी आग्रह करता है कि आ ले तू भी खा ले, अरे आप खाओ नहीं मैं पड़ी चूल्हे में मैं पड़ी चूल्हे में। तो किसान बेचारा खा के चला जाता। एक दिन उसके साथ बड़ी विचित्र घटना हो गई, खेत में उसका हल टूट गया। वो हल रिपेयर करने के लिए घर आया, घर आया तो पत्नी तो पानी लेने के लिए कहीं गई हुई थी, घर पे होती ही नहीं। उसने 10-15-20 मिनट में अपना हल ठीक कर लिया। अब उसको चिलम पीने की तलब हुई तो उसने अंगारे जो गांव में तो ऐसे ही चूल्हे में राख के अंदर दबा के रखते हैं, तो उसने अंगारा ढूंढने के लिए जैसे ही थोड़ा खुरपी से कुरेदा तो एक टन की आवाज आई। तो बोला अरे पता नहीं अंदर क्या ये। तो उसने देखा तो एक बहुत बड़े कठोरदान में निकला उसके अंदर से। वो कठोरदान निकाला उसने तो कठोरदान खोल के देखा चकाचक घी में चूरा हुआ चूरमा था, बुड़घी से बना हुआ चूरमा। लगा उसने फटाफट वो खा लिया चूरमा, खा के उसको कठोरदान को ढक के वो वापस उसने वैसे के वैसे चूल्हे की राख में दबा दिया। इतने में पत्नी आ गई तो बोले कुछ खाओगे क्या, बोले कुछ खाओगे क्या। तो उसने कहा लिया जो भी है। तो वो मक्का की रोटी और लहसुन की चटनी और कड़ी लेके आ गई, चलो खाओ। बोले आजा तू भी खा ले। वो बोली आप खाओ ना मैं पड़ी चूल्हे में। बोले आज कोई भरोसे मत रहिए, चूल्हे में मैं पड़ गया हूँ आज। वाह 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 वाह, आज चूल्हे में मैं पड़ गया।